ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, मैं मदन सर, स्टेलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से एक बार आप लोगों को फिर जो है हिंदी ग्रामर में जो है आप लोग को जो है शब्द विचार जो है बताने जा रहे हैं। शब्द विचार होता क्या है इसके बारे में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको जो है बता चुके हैं वर्ड क्या है और ये सब जो है आपको बता चुके हैं जो है इसके। अब जो है हम आप लोग को शब्द विचार क्या है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो शब्द विचार क्या है, शब्द वर्ड, शब्द जो है वर्ड, वर्ड से बनते हैं तो वर्डों के जो है सार्थक मेल से वर्ड जो होते हैं वर्ड आप लोग को आगे बताएं। पिछली वीडियो में आप लोग को हम वर्ड क्या है इसके बारे में आप लोग को बताए हैं। तो वर्ड क्या है उसके बारे में बताएं। शब्द, शब्द जो है इसे कहते हैं वर्डों के सार्थक मेल, मतलब वर्ड जो होते हैं उसके सही जो मेल होते हैं उससे जो है जो शब्द बनते हैं, वर्डों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का जो शब्द होते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे यहाँ दिया है शेर, लकड़ी, तरबूज, कुर्सी इत्यादि जो है ये सब शब्द हैं, इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो आप लोग को जो है शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा यहाँ हम लोग का आप लोग बता रहे हैं। जैसे वर्डों के दो या अनेक वर्डों के जो वर्ड होते हैं उसके जो है सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब जो वर्ड होते हैं उसके सार्थक मतलब सही जो मेल होते हैं उसको जो उससे जो बनता है वो जो है शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ है फूल, लड़का, लोहा, स्वर्ण इत्यादि जो है ये सब जो है वर्ड से अलग अलग वर्ड हैं, वर्डों से मिलाकर जो है बना हुआ है तो ये जो है एक शब्द बन गया है। तो इसके बाद जो है इस शब्द की परिभाषा आप लोग जो है एक बार फिर जो है देख लीजिए। दो या अनेक वर्डों की मतलब दो या अनेक वर्डों के सार्थक मतलब सही जो सही होता है उसके मेल से जो शब्द बनते हैं, मतलब मेल जो होता है उससे जो है शब्द बनते हैं उसे जो है सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्डों के जो है अनेक जो है अनेक वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ जो है आप लोग को बताएं जो है ये जो है वर्ड जो है मिले हैं तो शब्द बना है। तो शब्द की जो शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, शब्दों का वर्गीकरण, तो शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण जो है चार आधारों पर किया गया है। जैसे यहाँ दिया गया है पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं और बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर दूसरा जो हो गया वो बनावट के आधार पर मतलब बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं और तीसरा जो है वो जो है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं, चौथा हो गया प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग जो है पहला जो देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसको बताएंगे आप लोग को उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है चार प्रकार के होते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का क्या अर्थ है इसको आप लोग जान लें। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म, मतलब उसको पैदा होना। इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि इस शब्द जो है अमुक शब्द का स्रोत क्या है, मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं तो उसका यह पता लगाया जाता है। तो उसे हम उत्पत्ति के आधार पर कहते हैं कि ये जो है इतने शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर पैदा हुए हैं, इनका स्रोत यहाँ से है, अर्थात वह भाषा में कहाँ से आए हैं, इनका प्रयोग जो है भाषा में कहाँ से किया गया है इसका हमको पता चलता है। मतलब इससे इनका जो है प्रयोग जो है इनका भाषा में जो है इनका भाषा में ये जो है किस कहाँ से आए हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। तो हम आपको बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर पहला जो है तत्सम शब्द है। पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को जो है चार भागों में बांटा गया है, पहला हो गया तत्सम शब्द और दूसरा तद्भव शब्द और
तीसरा जो है देशज शब्द और चौथा जो है विदेशी शब्द। अब हम आप लोग को आगे जो है और जो है इसके बाद जो है बताएंगे बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनकी जो है परिभाषा आप लोग को आगे अगले वीडियो में बताएंगे।